अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेहरीन की दुनिया। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी इन योर लाइफ। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ईद की शॉपिंग। और मोस्टली जो मेरी शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है रमज़ान से पहले ही। जो मेरे ड्रेस थे जो लेने थे वो मैंने ले चुकी हूँ और वो स्टिच होने के लिए टेलर के पास गए हुए हैं। आज जो है मैंने शूज़ बाय करने थे और कुछ छोटी चीज़ें थी जो लेनी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज ही निकल जाते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले पहले सब कुछ डन करके रख लें। और ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो भी चुका है, बस शूज़ लेने थे मैंने और कुछ चीज़ें थी उसके लिए। आज हम मार्केट निकले और आज का वेदर जो था जिससे हम निकले हैं, 9 बजे का टाइम था रात का और हमें रास्ते में हल्की हल्की बारिश मिली और आज बहुत अच्छा वेदर था, हवा ठंडी चल रही थी और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो सबसे पहले तो हमने जाना था सदर और ये हम बस सदर पहुंच चुके हैं। रश भी था और जो ईद की तैयारियां हैं वो तो लास्ट डे तक जो हैं बस चलती रहती हैं। और इधर बस हम पार्किंग के लिए स्पेस देख रहे थे और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं मेट्रो शूज़ पे। और यहाँ पे बस हम डायरेक्ट एक ही शॉप में आए हैं मेट्रो शूज़ पे, क्योंकि मैं हमेशा से ही जो है मेट्रो शूज़ से ही बाय करती हूँ। और इनके शूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बेशक जितने भी पुराने भी हो जाएंगे लेकिन ये कभी भी टूटते भी नहीं हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी, डिसाइड कर रही थी कि कौन से लूँ। इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनके शूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं हमेशा से जो है इधर से ही बाय करती हूँ। और हमने जो है शूज़ अपने सिलेक्ट कर लिए थे और बस यहाँ पे जो है वो पेमेंट हो रही थी। इनके पास बैग्स की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। ये है कि इनकी जो हर चीज़ है, बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, इनकी क्वालिटी जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी जो है इनकी बहुत अच्छी होती है हर चीज़ की। यहाँ पे हमने शूज़ ले लिए अपने। और इधर जो है मैं कुछ ज्वेलरी देख रही थी। इनका जो ज्वेलरी एंड मेकअप काउंटर है वो भी बहुत अच्छा है। और इनके पास नॉर्मल बैग्स हैं, कैजुअल बैग्स हैं, फैंसी क्लचेस हैं। बस हमने अपनी शॉपिंग की और अब हम निकल गए हैं। जा रहे थे आइसक्रीम खाने। और यहाँ से जो एरिया स्टार्ट होता है वो सदर का फूड स्ट्रीट है। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप नॉर्मली आके शाम के टाइम रात के टाइम बैठ सकते हैं और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है। ये
अब हम आ चुके हैं फूड स्ट्रीट में, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फूड्स पॉइंट मिलेंगे, आइसक्रीम पॉइंट मिलेंगे, आपको हर तरह की खाने की पीने की चीज़ सब कुछ यहाँ पे इसलिए अवेल होती है। और यहाँ पे हम आ चुके थे सॉफ्ट स्वीट पे और डिसाइड कर रहे थे फ्लेवर आइसक्रीम का। मुझे तो मोस्टली जो है चॉकलेट एंड मैंगो ही पसंद है, और आज जो है मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट फ्लेवर। इनकी आइसक्रीम जो है वो बहुत 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 ही यम्मी होती है, सीरियसली बहुत ही यम्मी है इनकी आइसक्रीम। और जो इनकी आइसक्रीम के साथ ब्राउनी सर्व की जाती है वो भी बहुत टेस्टी होती है। और ये देखें इनका सिटिंग एरिया भी, सबका जो रेस्टोरेंट है उनके साथ साथ ही सामने बाहर सिटिंग एरिया है, और बहुत मज़े का एनवायरनमेंट होता है। और आज जो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हवा चल रही थी, तो बहुत इन्जॉय किया हमने। बस अपने आइसक्रीम हमने ली है, खाई है, इन्जॉय किया है। और जो हमारी शॉपिंग थी वो भी सारी डन हो चुकी थी, जो जो सोच के आए थे वो हमने जल्दी से बाय किया, इतना टाइम नहीं लगा था। फिर भी शॉपिंग करते करते टाइम तो खैर हो गया था, ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम लेट ही ऑलरेडी निकले थे घर से। और बस अब जो है हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और हम निकलने लगे थे सदर से। और ये जो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये है फातिमा जिना यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से मैंने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की है। रात काफ़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट जो है 12:30 से ऊपर टाइम हो चुका था। आज जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा था। और जब मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो, लाइट लाइट साथ में हवा हो, तो आपको बहुत अच्छा शॉपिंग करते हुए भी अच्छा लगता है। गुजर रहे हैं जिना पार्क के बाहर से। जो पिंडी के लोग हैं स्पेशली, वो तो जिना पार्क को जानते ही जानते होंगे। यहाँ से हम जो हैं वो गुजर रहे हैं। आज काफ़ी लेट हो चुका था, रात के 1 बज गए थे, बट ये है कि हमारी जो शॉपिंग है वो डन हो चुकी थी और इतनी देर हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि आज जो सैरी के लिए पराठे हैं वो आज हम बाहर से ही लेके चलते हैं। इसलिए हम आ गए कोइटा कैफ़े में, और कोइटा कैफ़े के जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़े के होते हैं। किस किस को फेवरेट हैं ये पराठे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए यहाँ पे जो है हम कोइटा कैफ़े आए हैं और इनसे जो है पराठे वो बनवा रहे थे। क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और थक भी चुके थे, अब थोड़ा आज दिल नहीं कर रहा था कि कुकिंग की जाए सैरी के लिए। इसलिए घर में जो है रात को चिकन कढ़ाई बनी थी, सोचा कि चिकन कढ़ाई होगी, उसके साथ हम कोयटा दरबार के जो हैं पराठे लेके चलते हैं। पराठे देखा चल रहा है।
बस यहाँ से जो है जल्दी जल्दी हमने जो है पराठे वो बनवाए और घर के लिए निकले। टाइम भी बहुत हो चुका था, 1 बज गए थे। और मेरा जो व्लॉग है आज का वो यहीं तक है। होप सो आपको जो मेरा आज का व्लॉग है इस शॉपिंग का, छोटी सी शॉपिंग का, वो पसंद आया होगा। और आप सब की भी ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि अपने साथ साथ आप ऐसी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें जो ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उनको देखें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि ईद तो नाम ही है खुशियां बांटने का। इसलिए आप अपने साथ साथ उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।